कल्याणपुर नाम का एक गांव था जहां श्याम नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका इकलौता बेटा था जिसका नाम पंकज था। जैसा कि लोकप्रिय कहावत है, शिक्षक का बेटा कभी विद्वान नहीं बन सकता। पंकज भी अपने पिता के बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल निर्दोष। अरे पंकज बेटा, जल्दी यहाँ आओ, कल हमें पंकज के यहाँ पर जाके कुछ पूजा करनी है, हमें चलना होगा। वैसे मैंने पूजा के लिए तुम्हें कुछ फल लाने के लिए कहा था, तुम लाए हो क्या? हाँ बाबूजी, आपने जो कहा था मैं सब लेकर आया, लेकिन मैं एक फल नहीं ला पाया हूँ बाबूजी। क्यों, तुम अभी तक वो फल नहीं लेकर आए? बताओ मुझे वो कौन सा फल है जो तुम नहीं ला पाए? आपने मुझे वही फल लाने के लिए कहा था जो पूजा में इस्तेमाल हो सके। हाँ, पर आखिर तुम उसकी जगह लेकर क्या आए हो? जब मैंने फल वाले से मांगा तो उसने मुझे संतरा और केला दिया, पर जब मैंने उसे नारियल फल का पूछा तो उसने मुझे कहा कि उसके पास नारियल तो है पर नारियल फल नहीं। अरे मूर्ख, तुमने उसे नारियल फल मांगा? हाँ पिताजी, उसने मुझे सिर्फ नारियल देकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उसे सीधा कह दिया कि मेरे पिताजी ने मुझे सिर्फ फल लाने के लिए कहा, सिर्फ नारियल नहीं, है ना पिताजी? और वो मुझे पागल पप्पू कहने लगा। मैं बहुत गुस्से में वहाँ से लौट आया पिताजी, और नारियल फल का कहूँ तो आप वो जाके खुद से ले आइए पिताजी। ओ मूर्ख, कोई इतना मूर्ख और मासूम कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आता। मैंने ऐसे इंसान को कैसे जन्म दिया जिसे नारियल और नारियल फल के बीच का अंतर ना पता हो? पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या आपने मुझे जन्म दिया है या मुझे माँ ने जन्म दिया है? अरे मूर्ख, मैं क्या बात कर रहा हूँ और तू क्या जवाब दे रहा है? तेरी माँ जो एक बहुत ही महान औरत थी, उसने तुझे जन्म दिया और मेरा दिमाग खाने के लिए यहाँ छोड़ दिया, और वो चैन से स्वर्ग में आराम कर रही है, लेकिन तुझे देख के मेरा दिल जलता है। पिताजी, आपने कहा माँ भगवान से मिलने गई है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पंकज अपने पिता को ऐसे सवालों से सताता है जो मूर्खतापूर्ण है और मासूमियत से भरे भी। श्याम बहुत गरीब है, उसके पास गाँव में कोई संपत्ति या उससे संबंधित कोई व्यक्ति भी नहीं है। वो आध्यात्मिक भावना से भगवान की पूजा पाठ करता है और अपना जीवन जीता है। बूढ़ा होने पर भी वो पंकज की देखभाल करता है। वो पंकज को पूजा पाठ सिखाने की कोशिश करता है, पर मूर्ख पंकज वो भी नहीं सीख पाता। अरे मूर्ख, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम जानते हो तुम बोलते क्या हो, या बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हो? मुझे नहीं पता तू चाहता क्या है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब भगवान से मिलने के बहुत ज्यादा करीब हूँ। मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मुझे तेरे भविष्य और तेरी चिंता है बेटा। आप मेरे साथ हो बाबा, फिर मुझे किस बात का डर है? देखो बेटा, मैं तेरे साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। मैं इस धरती पर अपने आखिरी दिन गिन रहा हूँ, लेकिन तू बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है। सुन मेरी बात, मुझे तुझसे कुछ कहना है, ध्यान से सुनना। बेटा, अगर मुझे अचानक कुछ हो जाता है तो मैंने भगवान की मूर्ति के नीचे कुछ पैसे रखे हैं, वो पैसा लेना और काशी चले जाना, और वहाँ जाके किसी संत का शिष्य बन जाना, और वहाँ जाकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना। मुझे तेरी परवाह है बेटा, मुझे तेरी सच में परवाह है, अपना ध्यान रखना। हमेशा की तरह अपने बेटे और उसके भविष्य के बारे में चिंतित श्याम धीरे धीरे नींद में डूब जाता है। अगले दिन देर हो चुकी है और श्याम जाग नहीं रहा। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ है? आप उठ जाइए, आपने कहा था कि हमें पूजा में जाना है। पंकज की कोशिशों के बाद भी श्याम कोई जवाब नहीं देता। पंकज घबराहट में अपने पड़ोसी सुरेश को बुलाता है। सुरेश पुष्टि करता है कि श्याम की मृत्यु हो चुकी है। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे और वो भगवान तक पहुंच गए हैं। तुम कृपया धैर्य बनाए रखो, हमें पहले पूजा पूरी करनी होगी। ठीक है, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, मेरे पिताजी ने मुझे कल ही कहा था कि वो अब भगवान से मिलने जाने वाले हैं। पप्पू को पता ही नहीं कि वास्तव में क्या हुआ है। उसकी मूर्खता पर दया दिखाते हुए उसका पड़ोसी सुरेश बाकी गतिविधियों को पूरा करता है। कुछ दिनों बाद उसके पिता के शब्दों के अनुसार उसने पैसे रेशम की एक थैली में लेकर एक लंबी छड़ी के ऊपर बांध दिए और काशी के लिए निकल पड़ा। छड़ी को अपने कंधे पर रखकर वो हवा में लहरा रहा था। रास्ते में कुछ यात्रियों ने उसे देखा। अरे लड़के, इस तरह से पैसा नहीं ले जाया करते, ये सही नहीं है। सड़कों पे बहुत लुटेरे घूमते हैं, हो सकता है वो तुमसे पैसा चुरा लेंगे, तो ध्यान रखो। हाँ हाँ, क्या मैं पागल हूँ जो चोरों को अपना पैसा दे दूंगा? मैं पागल नहीं हूँ, तो ही तो मैंने इस पोटली को इस डंडी पे इतना ऊपर बांधा है कि वो इस तक पहुँच ही ना सकें। ऐसे में वो कहाँ चोरी कर पाएंगे? अरे बेटा, मेरा यकीन करो, तुम बहुत मासूम हो, कृपया अपना ध्यान रखना। जी जी महोदय, आप कृपया जाएं, और याद रखिएगा मेरा नाम पंकज है, पप्पू नहीं। पंकज उत्साह से आगे बढ़ता है। कुछ दूरी तय करने के बाद पप्पू को अचानक दो चोरों का सामना होता है।
पप्पू निश्चित रूप से नहीं जानता कि वे कौन है। वो उनसे कहता है, मित्रों क्या आपने सुना है सड़कों पे चोर घूम रहे हैं, तो तुम अपना ध्यान रखना। वैसे मैंने अपनी पोटली को इतना ऊपर बांधा हुआ है कि चोर इस तक नहीं पहुंच सकते। दोनों चोर उसकी बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर वो बोले, अच्छा सच में तुझे पता है कि वो चोर कैसे दिखते होंगे और क्या करने वाले होंगे? अरे मैं उन्हें क्यों नहीं जानूंगा, बुरे चोर तो हमेशा एक जैसे ही दिखते हैं। चेहरे पे काला दाग, बड़ी बड़ी मूछें और विशाल शरीर। अच्छा लगता है तुम इन्हें अच्छे से जानते हो, इसे दोबारा कहो हमारा चेहरा देखते हुए। मैं देखता हूँ तुम्हें भी चेहरे पे घाव है, तुम्हारी भी बड़ी बड़ी मूछें हैं, अरे तुम्हारा शरीर भी विशाल है, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो जैसा मैं बोल रहा था। अरे तुम चोर हो क्या? कृपया ये कह दो कि तुम चोर नहीं हो। अरे भगवान मर गया, हम ही वो बुरे चोर है। अब चुपचाप अपना पैसा हमारे हवाले कर दे, कोई चाल मत चलना समझा। हाँ हाँ तुम इसे कैसे लोगे, ये इतना ऊंचा है तुम इसे पकड़ नहीं सकते। इतना कहकर उनमें से एक ने पप्पू को इतनी जोर से घूंसा मारा कि पप्पू के हाथ से छड़ी गिर गई। क्या हुआ ये उसे समझ आए उससे पहले ही चोर वो रेशम की गठरी लेकर भागने लगे। वो अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे होंगे। उन्हें भागता हुआ देखकर पप्पू ने कहा, अरे अरे तो तुम ही वो बुरे चोर हो, देखो मेरी बात सुनो, मेरा सारा पैसा ले लो, लेकिन लकड़ी से बंधी वो धोती किसी को कम दाम में मत बेचना, क्योंकि वो सिल्क है, अगर किसी को बेचना है तो मुझे बेच देना। उसकी बातें सुनकर दोनों चोर वहाँ से निकल गए। कुछ देर बाद एक जगह पर रुककर, अरे देख के लगता है कि उसके पास और पैसा है, उसे अच्छे से ढूंढो। ठीक है मैं अभी करता हूँ। पंकज के पास अब भी कुछ पैसे बचे हैं ये जानकर वो दोनों उसके पास आए। ए लड़के अगर तेरे पास और पैसा छुपा है तो हमें दे दे, नहीं तो हम तुझे मार के वो सारा पैसा तुझसे छीन लेंगे। ओ मैं बस आपसे वो महंगा सिल्क का कपड़ा खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे वो बेच दें, मेरे पास और कुछ नहीं बस एक यही कपड़ा है, आप खुद देखिए। इतना कहकर पप्पू ने उनको बाकी पैसे भी दे दिए। उन्होंने रेशम की थैली तो वापस नहीं दी पर वो पैसे भी लेकर वो वहाँ से निकल गए। उन्हें ऐसे जाता देखकर पप्पू को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसे एक विचार आया और उसने उन्हें वापस बुलाया। अरे मित्रों आप यहाँ पर आए और 5 मिनट में मुझसे वो सब कुछ छीन के ले गए जो मेरे पापा ने पूरी जिंदगी भर कमाया था। वैसे मुझे आपका काम करने का तरीका पसंद आया, क्या मैं आपकी टीम में शामिल हो जाऊं? अरे मूर्ख तो कितना बेवकूफ है, तू चोर नहीं बन सकता, चल जा यहाँ से। देखो सब मुझे ऐसे ही कहते रहते हैं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है मैं पंकज हूँ, कृपया कम से कम मुझे अपनी बात सिद्ध करने के लिए अपनी टीम में ले लीजिए। जब वो याचना करने लगा तो लुटेरों में से एक को उस पर दया आई और उसने दूसरे से कहा, वैसे ये अनाथ दिखता है और लगता नहीं कि कोई इसका ध्यान रखने के लिए है, इसे अपने साथ ले लेते हैं। ठीक है हम तुझे हमारे साथ ले लेंगे, लेकिन तुझे ध्यान रखना होगा कि तुझे कुछ भी हमारी अनुमति के बिना नहीं करना है। इतना कहकर चोर पप्पू को अपने साथ ले जाते हैं। उस रात तीनों एक गाँव पहुँचते हैं और उस गांव में अकेले रहने वाली एक बूढ़ी महिला के घर चोरी करने की योजना बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक बूढ़ी महिला का घर है, ध्यान से अंदर आना, उसके घर में काफी गहने और सोना चांदी रखा है। मैं अंदर जाता हूँ और काम शुरू करता हूँ, तुम यहाँ पहरा देना और मुझे बताना कोई अगर आए तो। ठीक है हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है हम ऐसे ही करेंगे, जैसा बोले वैसा करना, कुछ भी मूर्खता मत करना। मैं चलता हूँ लेकिन मुझे बताओ क्या आप लोगों को कोई गंध नहीं आ रही? कैसी गंध? अरे खाना, कुछ बहुत अच्छा पक रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम तुम्हारा काम करो, मैं किचन में जाता हूँ। ध्यान रखना, अगर तुमने कोई आवाज करी तो वो बूढ़ी औरत जाग जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है मैं कोई आवाज क्यों करूँगा, मैं इतना बेवकूफ नहीं, मेरा नाम पंकज है और मेरे पास एक समाधान है, तुम अपना काम करो मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर वो उन्हें वहाँ से भेज देता है। वो उस बिस्तर के करीब आता है जिस पर बूढ़ी औरत सो रही थी। पोंगल का त्योहार होने के कारण उसने बहुत व्यंजन तैयार किए थे और थक कर वो सो गई थी। नींद में ही उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन इसकी कोई जानकारी ना होने के कारण पंकज बेझिझक उसके पास चला गया। लगता है बूढ़ी महिला सो रही है, मुझे खाना खाने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी, ये अच्छी बात नहीं है, मैं उन्हें उठाता हूँ, उन बेवकूफों को तो इतनी समझ नहीं और मुझे पप्पू कहते हैं। उसने उस बुढ़िया को जगाने की कोशिश की। हेलो माजी मुझे भूख लगी है, आप क्या मुझे खाना देंगे? प्लीज उठ जाइए माजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं यहाँ पर आपकी अनुमति के बिना नहीं खाऊंगा। अरे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अरे उठ जाइए। पंकज ने उस बुढ़िया को जगाने की बहुत कोशिश की पर उसकी कोशिश नाकाम रही।
उसकी आंखें खुली हुई थी जिससे ऐसे लग रहा था मानो वो जाग रही है। पंकज अब डर गया और चौंक कर वो जोर से चिल्लाया। वो इतना घबराया हुआ था कि ऊपर चढ़ गया। उसने इतनी जोर से आवाज लगाई कि वो आवाज उन दोनों चोरों तक भी पहुंची। वो दोनों चोर भी उस मौके पर आ पहुंचे। उन्होंने बुढ़िया को उस बिस्तर पे लेटा हुआ देखा। अरे पंकज, क्या हुआ है? तू ऊपर क्यों छुप गया है? और ये बूढ़ी औरत ऐसे क्यों लेटी है? जाग क्यों नहीं रही है? अरे ऐसा मत बोलो कि वो जाग क्यों नहीं रही है, वो मर चुकी है। इसका मतलब है वो अब एक लाश बन चुकी है। हम बाद में देखेंगे कि वो मरी है कि नहीं। जिस तरह से ये लड़का चिल्लाया है, हमें छुपना होगा, नहीं तो हम बहुत बुरा फंस जाएंगे। चलो जल्दी छुपो। वे दोनों बिस्तर के नीचे छिप गए। घर के अंदर से पंकज की चीखें सुनकर सभी पड़ोसी वहां पहुंचे। वे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। उन्हें पता चला कि वो मर चुकी है। हे भगवान, अचानक ये क्या हो गया? उन्हें कोई कमजोरी या बीमारी नहीं थी, वो एक बहुत मजबूत महिला थी। आज त्योहार था तो कल वो उसकी तैयारी कर रही थी। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि हुआ क्या होगा। हाँ हाँ, सच कह रही हो, ऊपर वाला ही जानता है। हाँ, सिर्फ ऊपर वाला ही जान सकता है। जब लोग ऊपर वाले के बारे में बात कर रहे थे तो उनकी बात सुनकर पप्पू घबरा गया। वो इतना घबरा गया कि घबराहट के मारे वो ऊपर से ही बोल पड़ा। अरे तुम्हें लगता है कि मैंने उस बूढ़ी औरत को मारा है? अगर यकीन नहीं होता तो उन चोरों से पूछ लो जो पलंग के नीचे छुपे हुए हैं, पूछ लो। ये सुनते ही सबकी नजर एक साथ ऊपर उठ गई। पप्पू का इशारा पाते ही लोगों ने पलंग के नीचे छिपे चोरों को पकड़ लिया और पेड़ के साथ बांध दिया। पंकज, तुम उस बूढ़ी औरत के घर में क्यों छुपे हुए थे? पंकज ने उन्हें सारी बात बताई कि पिता की मृत्यु के बाद वो काशी के लिए क्यों और कैसे रवाना हुआ। उसने उन्हें ये भी बताया कि उन चोरों ने उसके पैसे लूट लिए और फिर उसे अपना साझेदार बना लिया। उसे कैसे भूख लगी और इसीलिए उसने बुढ़िया को उठाने की कोशिश की। पंकज ने ग्राम प्रधान को ये सारी बात बहुत मासूमियत से बताई। तुम जितने मासूम इंसान हो, मुझे नहीं लगता कि तुमने उसे मारा है। उसी समय गांव के वैद्य ने आकर उस बुढ़िया के शरीर की जांच की और उसके मृत्यु की वजह ग्राम प्रधान को बताई। बूढ़ी औरत का किसी ने कत्ल नहीं किया है, वो अपनी प्राकृतिक मौत मरी है। वो एक बहुत ही पवित्र दिन पे मरी है, इसलिए वो खुश नसीब है। इन चोरों ने कुछ नहीं किया है, इन्होंने उसे नहीं मारा है। अच्छी बात है, मतलब जो पंकज ने कहा वो सब कुछ सच है। और तो ठीक है, पंकज को इन चोरों से उसका पैसा वापस दिलवाओ और काशी के लिए रवाना करो। ठीक है, मैं इन चोरों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिम्मेदारी है कि इन्हें सजा मिले। ग्राम प्रधान ने अपना फैसला सुनाया। पंकज बहुत खुश था। उसने महसूस किया कि उसकी मासूमियत ने वास्तव में उसके जीवन में उसकी मदद की है। वो वहाँ से निकल गया और काशी की यात्रा करके वहाँ एक पुजारी के रूप में शामिल हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए हमारे न्यू स्टोरीज बुक चैनल को सब्सक्राइब करें।